हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सोच रहे होंगे कि मैं इतने सारे डिफरेंट की पिक्स क्यों दिखा रही हूँ। आज आपको इस वीडियो में यही दिखाना चाहूँगी कि एक डिफरेंट से हम कितने सारे प्लांट्स तैयार कर सकते हैं। सिंपल कटिंग करनी है। अगर ज़्यादा लंबा है तो उसका हम 3-4 पीसेस में कट करके अलग अलग जगह ग्रो कर सकते हैं। तो जितनी कटिंग होगी उतने ही प्लांट्स तैयार हो जाएंगे। देखिए, तो यहाँ मैं इसे शेडी एरिया में लगा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसके लीव्स येलो हो रहे थे, तो मैंने सोचा इसे छाया में लगा देना चाहिए। ये जो गार्डन वेस्ट था उसे भी मैं मिट्टी में दबा देती हूँ, और जो कटिंग थी वो भी मैंने यहीं लगा दी है। आपने देखा ही होगा कि मैंने यहाँ कोई भी रूटिंग हार्मोन यूज़ नहीं किया है, फिर भी ये मेरा प्लांट अच्छे से ग्रो कर जाएगा। जितना जो मैंने छोटी सी कटिंग लगाई थी उससे कितना प्यारा बेबी प्लांट बनकर रेडी हो चुका है। ये देखिए, जो कटिंग थी वो भी मैं दिखा देती हूँ। इससे शायद एक प्लांट और निकलने वाला है। अभी देखिए पहले का सीन, वो जो लीव्स थी वो सब गल चुकी है और अच्छा सा फर्टिलाइज़र रेडी हो चुका है, फ्री का ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र। मुझे किसी सब्सक्राइबर ने ये कमेंट किया था कि मुझे पौधों से भरा हुआ घर बहुत अच्छा लगता है, पर मेरा भी मन करता है कि मैं भी अपने घर को पौधों से भर दूं, लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। देखिए, हेल्दी और हरे भरे पौधों से भरे गार्डन के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ी सी मेहनत चाहिए, थोड़ा सा प्यार चाहिए, और कटिंग से हम एक ही पौधे से कई पौधे बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मेरी पहले की कटिंग जहाँ से मैंने प्लांट कट किया था वहाँ 3 नए पौधे बन गए हैं। यहाँ भी एक मेरा बहुत बड़ा प्लांट था, तो उसे मैंने गमले में ट्रांसफ़र कर दिया था यहाँ से कट करके। इसकी रूट्स नहीं निकाली थी, तो आप देख सकते हैं ये नया प्लांट बन चुका है वहाँ से। ज़्यादा प्लांट्स के लिए ज़्यादा पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल बस कटिंग कीजिए और ढेर सारे पौधे बना लीजिए। ये मेरा शाफ्ट एरिया है जिसमें मैंने डिफन बेचिया ही रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कितने हेल्दी और ग्रोइंग प्लांट है ये। तो आप भी ऐसे कटिंग कीजिए और अपने घर और गार्डन को पौधों से भर दीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।